ग्वालियर चंबल अंचल नकली प्रोडक्ट बनाने के लिए बदनाम होता जा रहा है। नकली जूते के बाद अब शहर में नकली सीमेंट बनाने की बड़ी फैक्ट्री मिली है। जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई के दौरान इस फैक्ट्री में अल्ट्राटेक, एसीसी, प्रिज्म, अंबुजा जैसे ब्रांड के नाम पर बैग में नकली सीमेंट भरकर मार्केट सप्लाई की जा रही थी। फैक्ट्री से लगभग 400 से अधिक तैयार सीमेंट के बोरे, काफ़ी मात्रा में कच्चा माल मिला है। ये कार्रवाई शहर के बहोड़ापुर के शंकरपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर की गई है। बता दें कि जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि बहोड़ापुर क्षेत्र के शंकरपुरा इलाके में नकली सीमेंट बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही बहोड़ापुर थाना और जिला प्रशासन की टीम ने साथ में शंकरपुर स्थित फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी विष्णु राठौर ने बताया कि वही नकली फैक्ट्री का संचालक है और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब वहां पर छानबीन शुरू की तो वहां पर सभी महंगे ब्रांड के नकली सीमेंट की बोरियां मिली, जिसमें ज़्यादातर अल्ट्राटेक, प्रिज्म, अंबुजा ब्रांड के बैग थे। पुलिस ने नकली सीमेंट जब्त कर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। उसने बताया कि ऑर्डर आते ही सिर्फ 20 मिनट में उसी ब्रांड का सीमेंट बनाकर तैयार कर लेते थे। इसके बाद पैक कर माल को ठिकाने लगा दिया जाता था। फैक्ट्री से नकली सीमेंट के साथ ही मुख्य आरोपी को भी दबोच लिया गया है। यह आरोपी 125 रुपए के बैग को 300 रुपए में बेचता था। ये सूचना मिली थी हम लोगों को कि ये भोड़ापुर के इलाके में एक नकली फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें नकली सीमेंट जो है उसको प्रॉपरली पैक किया जा रहा है और उसको ब्रांड्स के नाम पे, अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम पे और दूसरे ब्रांड्स के नाम पर बेचा जा रहा है प्रॉपरली पैक कर कर। इस पर एक टीम बनाई गई थी और सीएसपी साहब द्वारा, टीआई साहब द्वारा वहाँ पे चेक किया गया, तो वहाँ पे ये बिल्कुल पाया गया कि वहाँ पे 500 बोरियाँ मिली और ये एक आदमी है जो कि गोलपहाड़िया का रहने वाला निवासी है, उसके द्वारा ये संचालित की जा रही है। अभी वहाँ पे अपनी कार्रवाई हो रही है, FIR रजिस्टर हो रहा है, तहसीलदार वगैरह भी सब SDM में मौजूद है वहाँ। अभी हाँ FIR हो रही है और बिल्कुल फैक्ट्री भी सील की जाएगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट।